नमस्ते, मैं हूं गिरीश रामचंदे और एचवीसी क्विज में आप सभी का स्वागत है। विच टाइप ऑफ डीप फ्रीजर्स मस्ट हैव सी थ्रू ग्लास डोर? किस प्रकार के डीप फ्रीजर्स को आर पार दिखाई देने वाले कांच के दरवाजे होते हैं? ऑप्शन ए डिस्प्ले केसेस, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर्स, ऑप्शन सी अपराइट फ्रीजर्स एंड ऑप्शन डी चेस्ट टाइप फ्रीजर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिस्प्ले केसेस। व्हाट टाइप ऑफ पेंट इज गिवन टू द आउटर बॉडी ऑफ द डीप फ्रीजर? डीप फ्रीजर के बाहरी सतह को किस प्रकार का पेंट दिया जाता है? ऑप्शन ए नॉन करेसिव रेड ऑक्साइड, ऑप्शन बी पाउडर कोटेड पेंट, ऑप्शन सी एनेमल पेंट एंड ऑप्शन डी ऑयल पेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पाउडर कोटेड पेंट। विच मटेरियल इज गिविंग एयरटाइट क्लोजिंग ऑफ डीप फ्रीजर डोर? डीप फ्रीजर के दरवाजे को एयरटाइट बंद रखने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट रबर लिप, ऑप्शन बी पेपर गास्केट, ऑप्शन सी लीड एंड ऑप्शन डी टिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सॉफ्ट रबर लिप। वेयर द आइस क्यूब्स आर इन रेगुलर यूज? आइस क्यूब्स कहां पर नियमित इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन ए बार्स, ऑप्शन बी रेस्टोरेंट्स, ऑप्शन सी रिमोट हाउसेस एंड ऑप्शन डी रेसिडेंशियल फ्लैट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बार्स। व्हाट इज द रीजन फॉर नो कूलिंग इन वॉक इन कूलर? वॉक इन कूलर में नो कूलिंग होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए कूलिंग एयर शॉर्ट साइकिलिंग, ऑप्शन बी फॉल्टी थर्मोस्टेट, ऑप्शन सी नॉइजी कंप्रेसर एंड ऑप्शन डी शॉर्ट ऑफ गैस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉल्टी थर्मोस्टेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।